हम जा रहे हैं आज डेम कढ़ी बनाने, तो उसके लिए हम लिए हैं 6 ठो अंडा, उसको उबाल लिए हैं, छील लिए हैं, धनिया पत्ता काट लिए हैं बारीक बारीक, 2 टमाटर, 2 प्याज, उसके लिए हमने मसाला भी ले ली है, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, 5 फोरन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च के पाउडर, खड़ा मसाला, और हम सब रेडी कर चुके हैं। अब जा रहे हैं हम डीम कढ़ी बनाने, उसके लिए अब हम गैस ऑन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें हम तेल डाल रहे हैं। और इसमें हम अंडा को तलेंगे। देखिए मेरा अंडा अच्छा तरह से चला चुका है, गोल्डन कलर हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं इसको। अब इसमें हम डाल रहे हैं 5 फोरन, 5 पत्ता, 5 पत्ता और 5 फोरन लाल हो चुका, और इसमें हम प्याज को ऐड कर रहे हैं। गैस को थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको ब्राउन कलर को प्याज को थोड़ा सा कर ले। देखिए मेरा प्याज अब ब्राउन कलर हो चुका, अच्छा से गल चुका है। अब इसमें हम मसाला के जो हम पेस्ट बना के रखे थे उसको इसमें ऐड कर रहे हैं। आँच थोड़ा बढ़ा देंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप अपना नमक डालें, और अच्छा से मिक्स करें इसको। इसी के साथ टमाटर भी डाल देंगे। अच्छा से ताकि गल जाए। देखिए प्याज टमाटर कितना अच्छा से गल चुका है, मसाला भुजा के रेडी हो चुका है। देखिए, और इसमें अब हम डाल देंगे पानी अपना ज़रूरत अनुसार, जितना आपका ग्रेवी चाहिए इतना पानी डाल सकते हैं आप। और इसको अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं, और इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। देखिए ग्रेवी गाढ़ा हो चुका है, और इसमें अब हम अंडा को ऐड कर देंगे। इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसको भी मिला देते हैं, और हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डीम अब बन के अंडा कढ़ी रेडी हो चुका, और हम अब गैस को बंद कर देंगे। ग्रेवी गढ़ा हो चुका है, रोटी से अच्छा से खा सकते हैं इसको। और मेरा वीडियो अच्छा लगे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।